हाउ टू हैंडल माई बॉस, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म्स पे। मेरे से भी कई बारी जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जो नॉन लोग हैं काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यार मैं बॉस से बड़ा दुखी हूँ, बॉस को हैंडल कैसे करूँ। और मेरा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है डोंट हैंडल योर बॉस। क्योंकि ये जो शब्द है हैंडलिंग, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डॉग हैंडलर, हॉर्स हैंडलर, ठीक है, जिनका मेंटल आईक्यू कम होता है उनको हैंडल किया जाता है। अब आप कहोगे कि नहीं जी, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके भी हैंडलर्स होते हैं, टेररिस्ट के भी हैंडलर होते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखो कि वो जो हैंडलर होता है, वो जिसको हैंडल करता है, जो एजेंट है, उसको परमिशन होती है कि वो अपना दिमाग यूज़ करे। उसने किसी की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो हैंडल हम उन चीज़ों को करते हैं या उन कह सकते हैं लिविंग बीइंग्स को करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है बस, वहाँ पे हैंडलर यूज़ होता है वर्ड। तो जब आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू हैंडल माई बॉस, तो आप क्या कह रहे हो इससे कि जो मेरा बॉस है ये मंदबुद्धि इंसान है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, ये अपना दिमाग लगाने के काबिल है, मेरा दिमाग जो है ना वो इससे ज़्यादा बढ़िया है, आई एम बेटर देन माई बॉस। इस शब्द से कुछ अच्छे शब्द हैं, उनकी बात बाद में करेंगे, कि जब आपकी अपने बॉस के साथ ना बन रही हो तो क्या क्या शब्द यूज़ करना है। क्योंकि जो जो शब्द आप यूज़ करेंगे वही साइकोलॉजी आप आगे यूज़ करेंगे। अब हाउ टू हैंडल माई बॉस, ये कौन कौन लोग कहते हैं? सबसे पहले जो यंग एग्जीक्यूटिव हैं, यंग एग्जीक्यूटिव माने जिनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लेस देन 3 इयर्स, जिनका 5 से लेकर 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिनका सर्विस में लॉन्ग टेन्योर हो गया, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 20, 22, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप देखिए कि 22, 23 साल से लेके 50 रिटायरमेंट एज तक लोगों को अपने मैनेजर से प्रॉब्लम है। और ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे जाके ये क्वेरी रेज करते हैं, हाउ टू हैंडल माई बॉस। और इन तीनों में ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि मैं बॉस को हैंडल करूं, इसके रीजंस डिफरेंट हैं। जब एक यंग एग्जीक्यूटिव कहता है हाउ टू हैंडल माई बॉस, उसके रीजंस अलग हैं। एक मिडिल लेवल का जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो कहता है हाउ टू हैंडल माई बॉस, इसके रीजंस अलग हैं। और जब एक सीनियर बंदा कहता है कि हाउ टू हैंडल माई बॉस, इसके रीजंस अलग हैं। और क्योंकि रीजंस अलग हैं इसलिए इनकी जो एग्जीक्यूशन है हाउ टू डू इट वो भी अलग है। इन सब में, तीनों में, किसी भी एज ग्रुप में बंदा हो, किसी भी एक्सपीरियंस लेवल का बंदा हो, एक चीज जो है वो बहुत सारों में कॉमन होती है, बॉस इज
नार्सिसिस्ट, जो मैनेजर है वो स्वमुग्ध आत्मा है, उसको अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, वो किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता, वो सबका क्रेडिट खाना चाहता है, ब्लेम वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ब्लेम वो लोगों के ऊपर देना चाहता है। इस टाइप के बॉस से, मतलब जो हम कहते हैं पैथोलॉजिकली नेगेटिव बंदा है, उससे तो सभी दुखी हैं। बाकी एट ऑल थ्री लेवल्स जो मोटिव्स हैं किसी इंसान का ये कहने के लिए कि हाउ टू, है तो शब्द ये नेगेटिव ही पर यूज यही होता है आम बोलचाल में, हैंडल माई बॉस, ये चीज इसलिए भी आती है कि आम जो इंसान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको बिजनेस हायरार्की की नॉलेज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज की नॉलेज नहीं है, थ्योरीज की नॉलेज नहीं है, उसका नॉर्मली बिजनेस के बारे में एंड हाउ ए बिजनेस इज रन एंड हाउ टीम्स आर रन, इस बारे में उसकी जो नॉलेज है यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यहाँ पे संवट है, यहाँ पे भी संवट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा, तो उनके बेसिक्स जो हैं वो टीम वर्किंग के बड़े पुअर हैं। अब मुझे कोई कह रहा था कि मेरे बच्चे को अभी वो जॉब लगा है लड़का, तो फर्स्ट जॉब में जाके उसको पता चला कि यहाँ आके मेरी मम्मी नहीं मेरे बॉस को धकेला सकती, स्कूल कॉलेज में तो मेरी मम्मी जो है वो टीचर्स का के ऊपर पूरी हावी रही है कि आप ऐसे करो आप ऐसे करो, मेरा बच्चा ऐसे समझता है मेरा बच्चा ऐसे समझता है, ये मत करो वो मत करो। अब जॉब स्टार्ट हुई है तो अब उसको पता चला कि मम्मी की यहाँ नहीं चलती। एक पीछे किसी ने एक वीडियो भी शेयर किया था किसी लड़की का कि रोड पे उसने कोई ट्रैफिक वायलेशन की थी और वो पुलिस वालों को कह रही थी कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर दूंगी। तो यंग जो लोग हैं मिलेनियल्स या जनरेशन जी जो हैं ये बड़े पैम्पर्ड या एंटाइटल्ड हैं, सिंगल चाइल्ड हैं, तो पेरेंट्स की बड़ी कोशिश है वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने की कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, तो उसमें लोगों की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रखी और उसके बाद बंदा किसी भी वो बीटेक करता है, वो एमबीबीएस करता है, वो ग्रेजुएशन या पीजी करता है, टीचर लगता है, उसको सब कुछ आता है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, नॉलेज इज सब लिमिटेड टू ओन सब्जेक्ट, हाउ टू वर्क इन टीम्स या हाउ टू हैंडल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इसमें लोगों की डेवलपमेंट कम है। इसीलिए कहीं पे ये प्रॉब्लम आती है कि बॉस और जो उसका सबॉर्डिनेट है, मैनेजर और सबॉर्डिनेट, मैनेजर एंड द मैनेज्ड, दे डोंट लुक आई टू आई। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कम्युनिकेशन गैप्स एज पर पर्सनैलिटी टाइप्स, इसी हमारी प्लेलिस्ट में है, उसको भी पढ़िए। बल्कि हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप का बंदा कैसे बात करता है, यही सीखा है कि आई एम दी बॉस आई एम दी बेस्ट, यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही इंसान यह कहता है कि हाउ टू हैंडल माई बॉस, वो कैसे कहता है कि मैं एक गलत इंसान के साथ एक गलत कंपनी में काम कर रहा हूं। एज सून एज यू से दिस, आप ना अपने बॉस को कह रहे हैं कि यह बंदा मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये मूर्ख है, ये मेरे से कम इंटेलिजेंट है, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो गलत है, वो ऐसे बंदे हैंडल रिक्रूट कर रही है या ऐसे बंदे मैनेजर बने हुए हैं, ऐसे टटपूंजी है लोग
पीपल विद लेस कैपेबिलिटीज, उनको मैनेजर बना दिया है। कंपनी की पॉलिसी ही गलत है, मैं एक गलत ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो आप अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और गलत बंदे के साथ काम कर रहे हैं, तो बेस्ट पॉलिसी क्या है? बेस्ट पॉलिसी इज कि आप उस माहौल से निकल जाएं, उस कंपनी से निकल जाएं, अपने लिए दूसरी कंपनी ढूंढें। अब हम बात करते हैं कि जब आप ये कहते हैं तो उससे ये चीज कैसे शो होती है। तो हम बात करेंगे प्रोफाइल्स की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल पे हो, इट मे बी अ स्मॉल बिजनेस, इट मे बी ए फैक्ट्री, इट मे बी सम इंफोटेक कंपनी, सम कॉलेज, स्कूल, एनी मार्केटिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनी, कोई भी कंपनी है, वहाँ पे जो मैनेजर है उसके प्रोफाइल में क्या कहा जाता है कि वो क्या करेगा, क्या, व्हाट डज ए मैनेजर डू। तो मैनेजर के प्रोफाइल में आता है, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जो क्रोनोलॉजी मैं यूज करूंगा उसी सिस्टम में ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं अल्टीमेटली। तो किसी भी मैनेजर का पहला काम क्या है? कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, जो इंटरनल गाइडलाइंस हैं, जो वर्किंग की गाइडलाइंस हैं, जो कंप्लायंस इश्यूज हैं, उन सबको देखे और उसकी जो टीम है वो कंपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे, कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से काम करे। दिस इज नंबर वन। सेकंड इज एंश्योर पर मैन प्रोडक्टिविटी। जो भी इंसान जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। उसका एक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बेंचमार्क होता है। ये मेरा किसी मशीन पे काम करने वाला बंदा है, ये इतने पीस बनाएगा, ये सेल्स वाला बंदा है, ये इतने सेल्स करेगा, ये एचआर वाला बंदा है, ये इतने बंदे रिक्रूट करेगा। तो जो भी कंपनी की गाइडलाइंस हैं, जो टारगेट्स हैं परमानेंट प्रोडक्टिविटी के, उनको मीट करें। अब इंश्योर परमानेंट प्रोडक्टिविटी, यहीं पे पंगा आ जाता है, क्योंकि इसके साथ एक सब क्लॉज है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। इफेक्टिव क्या हुआ? आपको कोई काम करने को कहा, आपने उसको ढंग से किया। किसी बंदे ने कोई पीस बनाना है, कोई कारपेंटर है, उसको कहते हैं तू एक डोर एक दिन में बनाएगा, वो एक डोर बना देता है रोज का पूरा, पर उसकी फिनिश अच्छी नहीं है, उसका साइज अच्छा नहीं है, तो वो एक इफेक्टिवनेस नहीं हुआ। कोई सेल्स वाला, उसको कहते हैं चार सेल्स करना रोज की, वो कहता है ठीक है जी मैंने चार सेल्स कर दी, ठीक है की इतनी उतू, ठीक है। और इफेक्टिव माने जो आप काम कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर करें, फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी गुड एज पर कंपनी बेंचमार्क या मार्केट बेंचमार्क। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप एक सेल करने गए हैं, उसके पीछे आप 30 कॉल्स कर रहे हैं, दो बारी बॉस को ले जा रहे हैं, ठीक है। 20,000 की आप सेल्स कॉल कर रहे हैं और आप 5,000 रुपये का उसके ऊपर अपना ट्रैवलिंग अलाउंस का पेट्रोल का बिल लगा रहे हैं कि मैंने इतने चक्कर लगाए, तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंस माने
मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करके आप सही काम कैसे करें, ये भी मैनेजर ने इंश्योर करना है। अब मैनेजर ये काम कैसे करते हैं, दे कम्युनिकेट विद टीम, वो टीम को बताते हैं कि भाई ये काम करने वाला है, इसको ऐसे किया जाएगा। एक ये शब्द है मोटिवेशन, बहुत यूज होता है, दे मोटिवेट द टीम, क्या हमने इसको काम करना है। और मोटिवेशन की दो ही थ्योरीज हैं बेसिकली, कि इसको नहीं करेंगे तो आपका ये नुकसान होगा, इसको ये करेंगे तो आपका ये इंसेंटिव होगा। वो मोटिवेट करता है कि इसको करने के क्या फ़ायदे हैं और इसको ना करने के क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे काम किया जा रहा है, वो उसको सुपरवाइज करता है, देखता है कि काम ढंग से हो रहा है। द मैनेजर कोचिज, वो बताता है जहाँ पे उसको दिखता है कि काम ढंग से नहीं हो रहा, वो बताता है कि नहीं इस काम को आप ऐसे करें। कोचिंग कौन कर सकता है, जिसको चीज़ की बेसिक्स पता हो। पर अगर आपका बॉस फिशरी से निकल के आपकी इंश्योरेंस कंपनी में आ गया है कि मैंने तो मैनेज ही करना है, थ्योरी तो यही है मोटिवेशन की, तो ही कांट कोच यू, ठीक है। वो काम को डेलीगेट करता है, डेलीगेशन में भी आता है कि किसको डेलीगेट किया जाए, जो कैपेबल है, तो वो टीम के कैपेबिलिटीज को एनालाइज करता है। राइट, वो कंट्रोल भी करता है। इसके बाद जो मैनेजर है उसका क्या काम है, वो जब ऊपर से कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स आते हैं, या टीम को कोई मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है करने में, कोई देयर में बी प्राइसिंग डिफरेंस, देयर में बी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी है, तो मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप टीम की प्रॉब्लम को ऊपर तक पहुंचाएं। जैसे हम मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आप डैडी को बोलो, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजर हमें सपोर्ट करेगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। द मैनेजर इज ऑल्सो सपोर्ट सिस्टम। तो मैनेजर ने टीम की बात ऊपर पहुंचानी है, और जब उसने इंप्लीमेंट करना है कंपनी पॉलिसीज को, तो उसने कंपनी की बात नीचे पहुंचानी है। तो इसमें मैनेजर के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या निकलती है, सबसे बड़ी चीज उसकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसको ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, बिकॉज बिना ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के वो ना मोटिवेट कर सकता है, ना सुपरवाइज कर सकता है, ना सपोर्ट कर सकता है। उसको पता नहीं चलेगा किस बंदे को कहाँ पे सपोर्ट करना है, राइट। ये दोनों चीजें अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल क्लासेस में हम नहीं पढ़ते। वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ हमारी अपनी साइकोलॉजी तक है, जो हमें अपना दिमाग भी क्या कह रहा है अच्छी तरह से नहीं पता। ये मैनेजर का प्रोफाइल है,
ये मैनेजर का प्रोफाइल है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर का एक काम और भी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करे, आपकी ACR भरे, आपकी क्या कितने परसेंट की राइज होनी चाहिए, आपको कौन सी पोस्ट पे शिफ्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ये सब कुछ भी मैनेजर का काम है। ये चीज़ यहीं पे आ जाती है टीम और हायर अप में, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो टीम की बात को ऊपर कह रहा है, इस बंदे ने ये किया है तो आप इसको यहाँ पे हैंडल कर लें। ये मैनेजर का प्रोफाइल है। मैनेजर ने आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको मोटिवेट करना है, आपको सुपरवाइज करना है, आपको कंट्रोल करना है। पर जब आप कहते हैं आई वॉन्ट टू हैंडल माई बॉस, तो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल यूर बॉस। या आपको लग रहा है कि और लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर लेंगे, या आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, या आपको लगता है आप सीनियर हैं तो आपको लगता है कि ये बंदा जो है ये रैश है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये मेरा भी सत्यानाश करेगा, अपना भी करवाएगा। यंगर में ट्राइंग टू कंट्रोल दी बॉस इज नेगेटिव। लॉन्ग टेन्योर या एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं तजुर्बेकार जो बंदा होता है, उसको पता होता है कि ये बंदा आगे वाला है, ये यंग है, ये गलती कर रहा है, या ये नॉट सो यंग है, मेरा ही हम उम्र है पर मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, तो उसका वहाँ पे शायद जो कंट्रोल है वो प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे जो कंट्रोल है यंगर में, ये नेगेटिव है। अब ये हो गया बॉस का, ये मैनेजर का प्रोफाइल है, इसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। ये तो एक चीज होगी। अब दूसरी बात आ गई कि एग्जीक्यूटिव का भी प्रोफाइल है, एग्जीक्यूटिव का भी प्रोफाइल है। एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल में क्या आता है? सिमिलर, इंप्लीमेंट कंपनी पॉलिसीज और उसके हिसाब से परफॉर्म कर। डिसिप्लिन्ड हो, रूल ब्रेक करना हो, यंग लोगों में बड़ा होता है कि मैं रूल तोड़ के निकल जाऊंगा, मैं साइड स्टेप कर जाऊंगा। ऑफिस वाले हैं, अंडर राइटर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में बड़ा है लोगों को कि अंडर राइटर्स हैं, ये फंसा देते हैं, ये कंप्लाइंस इशू डाल देते हैं, मेडिकल निकाल देते हैं, हमने कर लेना था ऐसे गोल गोल बात करके। फोकस ऑन अचीविंग टारगेट्स, बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हो, अपने किए की जिम्मेवारी लेने की आदत हो, इरिस्पॉन्सिबली काम ना करें। बॉस को इन चीजों में हेल्प करें। ये थोड़े से जो जॉब प्रोफाइल हैं ये एग्जीक्यूटिव के हैं, थोड़े ज़्यादा मैनेजर के हैं। मैनेजर का प्रोफाइल में एक और चीज़ है, जब हमने आप रिजल्ट की बात की कि मैनेजर एक्स एज ए ब्रिज
वो एम्प्लॉई की सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को कंपनी को बताता है एंड इन सम केसेस रिकमेंड्स प्रमोशन। ये सारी चीजें करने से व्हाट द मैनेजर इंश्योर्स, फ्यूचर पोजीशंस के लिए वो अपने आप को और टीम को डेवलप भी करता है। लेकिन जो बंदा कहे कि मैं तो फन्ने खाऊं, मैं तो इतनी सेल करके आया हूं, मैं इस कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैं इस कंपनी में काम करके आया हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने सब बांधा, तो वो बंदा जो है वो वहां पे डेवलप होना बंद हो जाता है। तो हमने देख लिया सबॉर्डिनेट का प्रोफाइल क्या है और मैनेजर का क्या है। गलती दोनों जगह पे हो सकती है। और जैसे हम डिप्रेशन में बात करते हैं कि डिप्रेशन दूर करने के लिए गो टू दी रूट, किस कारण आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में अपना सोचने का नजरिया बदलिए। गलत किया था तो गलत मान लीजिए, गलती मान लीजिए, रिपेंट, इग्नोर, ग्रो, हेल्प अदर पीपल्स टू कम आउट ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसे ही जब बंदा ये कहता है तो इससे पहली बात तो ये है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर या मैनेज्ड एंड मैनेजर में ट्यूनिंग नहीं है। देयर इज वन बिग कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। और चीजें हैं कि गलती दोनों तरफ हो सकती है, तो जहां पे गलती होगी वहीं पे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबॉर्डिनेट्स